सखी सैया तो खून ही कमाते हैं, महंगाई दायर खाए जाते हैं कि इस देश की जनता के चेहरे से हंसी और उनके जीवन से सुकून लाए। मंत्री संतरी नेता बड़े बड़े भाजपा के कह रहे, अरे क्या बात है, 90% लोग तो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो क्या धुलाई का दाम नहीं बढ़ता? और धुलाई का दाम बढ़ते ही क्या हमारे दैनंदिन जीवन में जो हम खाद्य सामग्री का प्रयोग करते हैं उसका दाम नहीं बढ़ता? और अभी दिवाली से एंड पहले आपको धूल झोंकने के लिए 5-10 रुपया कम कर दिया है, ऊन के मुंह में जीरे के समान कि एक पॉकेट मार पहले जेब काट ले और फिर एक 10 रुपए की पकड़ा दे और कहे चलो दया कर रहा हूँ, बस पकड़ के घर चले जाओ। एक एक नारा मोदी जी का बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, एक एक नारा जुमला साबित हो रहा है। यूपीए सरकार का 10 साल का जो कार्यकाल था उसमें आप बटुए में पैसा लेकर जाते थे और थैला भर सामान खरीदते थे, और अब मोदी जी के कार्यकाल में ये हाल होने वाला है बहुत जल्दी 2024 में कार्यकाल खत्म होने से पहले कि हम थैला भर पैसा लेके जाएंगे और बटुए में सामान खरीदेंगे। तो मोदी सरकार ने न सिर्फ दुपहिया चार पहिया वाहन से पेट्रोल और डीजल को गायब किया है, न सिर्फ हमारी थाली से खाना गायब किया है, न सिर्फ हमारी जेब से पैसा गायब किया है, बल्कि मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश की जनता के चेहरे से हंसी और उनके जीवन से सुकून गायब कर दिया। और आप जानते हैं एक बहुत पीपली लाइफ एक पिक्चर आई थी जिसमें एक बड़ा ही मशहूर गाना हुआ कि सखी सैया तो खून ही कमाते हैं, महंगाई दायर खाए जाते हैं। तो भाई महंगाई के साथ अगर कमाई हो तो फिर भी महंगाई इतना चुभती नहीं। मोदी सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से काम करना ठप्प पड़ा है, बेरोजगारी चरम पे है और कोरोना करोना नहीं रोक सकती ये सरकार, क्योंकि कोरोना से पहले ही देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई थी, भूलना नहीं चाहिए। आरबीआई के गवर्नर ने रिजाइन कर दिया था, सरकार इतनी शर्मसार थी आंकड़े छुपा रही थी कि एनएससी के मेंबर्स को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये बेरोजगारी का आलम जो है वो महंगाई की मार से जनता के मुंह से चिकार निकाल रहा है। कमाई नहीं है, महंगाई है और दुहाई है। दो चीजें स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं, पहला ये कि गृहिणी होने के नाते मुझे लगता है कि एलपीजी का जो दाम यूपीए सरकार के समय सिलेंडर 400 रुपए का था आज 900 रुपए का हो गया है। तो उज्ज्वला योजना का झुनझुना जो मोदी जी बता रहे थे वो कृपया ये बताएं कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, कोरोना काल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले, इसके अलावा पिछले 8 साल में 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो ये गरीबी रेखा के नीचे जा रहे लोग 1000 रुपए का सिलेंडर क्या खरीद सकते हैं? मैं जानना चाहती हूँ, एक नया सर्वे आया है वो बता रहा है कि एलपीजी का इस्तेमाल करने वाले 42% लोगों ने वापिस चूल्हा भूखना महिलाओं ने शुरू कर दिया, लकड़ी का ईंधन शुरू कर दिया। इस साल पिछले 351 दिन में 305 रुपया एलपीजी गैस का बढ़ा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत पाकिस्तान को, नेपाल को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को पछाड़ कर 101वें स्थान पर पहुंच गया, यानी कि अब भूखमरी में विश्व गुरु बनने वाले। और प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत जो 5 किलो राशन मुफ्त मिल रहा था वो भी बंद कर दिया। ऐसी संवेदनहीन सरकार। पेट्रोल डीजल पर आ जाते हैं, हालांकि मंत्री संतरी नेता बड़े बड़े भाजपा के कह रहे, अरे क्या बात है, 90% लोग तो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो क्या धुलाई का दाम नहीं बढ़ता? और धुलाई का दाम बढ़ते ही क्या हमारे दैनंदिन जीवन में जो हम खाद्य सामग्री का प्रयोग करते हैं उसका दाम नहीं बढ़ता? क्या ये सच्चाई नहीं है कि 100 रुपए लीटर जो यूपीए सरकार के सरसों का तेल मिल रहा था वो आज 200 लीटर पहुंच गया है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 100 रुपए के लीटर डीजल और पेट्रोल पहुंच जाएगा, पार हो जाएगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर यूपीए सरकार के दौरान 9.48 रुपए थी, आज मोदी जी ने बढ़ाकर 33 रुपए कर दी। डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में 3.5 रुपए थी, आज 32 रुपए। तो साल भर में आप, मैं बता दूं, 9.48 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर थी यूपीए कार्यकाल के समय पर, 33 रुपए का मोदी सरकार ने पहुंचा दिया, 3.5 रुपए
₹56 डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी यूपीए कार्यकाल के समय, ₹32 तक मोदी सरकार ने पहुंचा। और अभी दिवाली से है पहले आपको दूर झोंकने के लिए ₹5 कम कर दिया है, ऊंट की मुंह में जीरे के समान। ये तो ऐसा हो गया कि एक पॉकेट मार पहले जेब काट ले और फिर एक ₹10 ही पकड़ा दे और कहे चलो दया कर रहा हूँ, बस पकड़ के घर चले जाओ। तो ये हाल जनता का बना दिया है मोदी जी। अब दो और बातें बहुत जल्दी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब डीजल का दाम बढ़ता है, जब खाद्य सामग्री का दाम बढ़ता है, तो हमें किसान की तरफ जरूर देखना चाहिए। अन्नदाता जो एक साल से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी फसल और नस्ल को बचाने के, आजाद भारत में पहली बार ये हुआ कि टैक्स लगाया गया कृषि से संबंधित उपकरणों पर, खाद पर, कीटनाशक पर, बीज पर। 12-18% जीएसटी दे रहा है किसान, यानी कि ₹23,000 प्रति हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ गई है, ₹23,000 प्रति हेक्टेयर। और एक सिचुएशन असेसमेंट सर्वे आया है जो बताता है कि किसान की आमदनी रोज की ₹27। तो आत्महत्या नहीं करेगा किसान को क्या करेगा? 800 किसान अपनी जान ले चुके हैं, शहादत हो चुकी है उनकी, लेकिन मोदी जी के कान पर जू नहीं रही। जो फ्यूल एक्साइज, जो मैंने आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बताया, ये बढ़ा बढ़ा कर मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में ₹23,00,000 जनता की जेब से अपनी जेब में डाल दिया। मेरा सवाल है कि जनता को क्या फायदा? ₹20,000 का मोदी जी का सेंट्रल मिस्टर रूपी महल बन गया, 8,500 का विमान आ गया मोदी जी के लिए, 10-15 लाख के अपने ही नाम के न जाने कितने सूट मोदी जी ने सिलवा लिए, पर जनता को क्या 2 करोड़ नौकरी मिली? क्या 15 लाख आया अकाउंट में? एक एक सांस के लिए मोहताज होती जनता को क्या ऑक्सीजन सिलेंडर मिला? 24-24 घंटे मरहटों पे लाशें जली है लोगों की। क्या काशी क्योटो बन गई? क्या स्मार्ट सिटी बन गई देश में? क्या बुलेट ट्रेन आ गई? तो जनता को क्या मिला? एक एक नारा मोदी जी का बहुत बुरी महंगाई की बार आपकी बार मोदी सरकार, एक एक नारा जुमला साबित हो रहा है। और निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री, उनसे जब कहा जाता है कि प्याज महंगी हो गई तो कहती है प्याज खाना छोड़ दीजिए, ये उपाय है सरकार के पास। अब अगर उसे कहा जाए कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, हम गाड़ी कैसे चलाएंगे, हम अपना स्कूटर बाइक कैसे चलाएंगे, तो कह देगी बैलगाड़ी चलाना शुरू कर दीजिए, अच्छा है। अगर उसे पूछा जाएगा तेल महंगा हो रहा है, मोदी जी ने तो कहा था नौजवानों से जो बेरोजगार है कि नाली की गैस पर पकौड़ा तल लीजिए, वो कहेंगे कि नाली की गैस तो मिल जाएगी लेकिन पकौड़ा तलने के लिए अब तेल तो मिल नहीं रहा। तो ये हाल हो गया है देश में। महंगाई का जो आलम है, मैं तो ये कहती हूँ कि उसके कारण आज पूरे देश की जनता कह रही है कि कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। आती थी मोदी जी के जुमलों पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। और कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि CMIE का जो आंकड़ा है कि 97% लोगों की आय कम हो गई है, कि बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है, कि काम धंधा ठप हो गया है और महंगाई कम नहीं होती जा रही है, इसके बारे में न सिर्फ जनता को जागरूक करके उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सजग बनाना है, बल्कि मोदी सरकार को सड़क से लेकर सदन से लेकर संसद तक मजबूर भी करना है कि वो जनता की बात को सुने और जनता के मन की बात के अनुसार इस गढ़ को चलाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।